अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको मूलियाँ दिखाई थी ना, मैंने खुद कुछ कर ली हैं। अब मैं ना इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल के ना, मतलब इसका पानी वगैरह निकल जाए तो ये मिक्स कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ मैं इसे, तो पानी निकल जाएगा ना। फिर मैं इसमें ना हरा धनिया, तो हरी मिर्च, मसाले वगैरह बाद में ना सारे मैं आपको ना डाल के दिखाती हूँ। फिर इसके परौंठे बनाएंगे। बच्चे कह रहे थे हमें मूलियों वाले परौंठे बना के दें। चलो, मैंने कहा सीज़न की सब्ज़ी है तो बना देती हूँ। तो ये मैंने मूलियाँ कद्दूकस कर ली है। अब ये मैंने नमक लगा दिया, सारा पानी ना इसका ना ऐसे निचोड़ लेंगे। फिर बाद में अभी निकल आए पानी, ठीक है। फिर मैं आपको बकाया काम दिखाती हूँ। मैंने ऐसे पानी निचोड़ लेना है। ये देखिए कितना पानी निकला मूलियों का। अब मैं इसमें ना मसाले डाल के ना, तो सारे आपको सामने दिखाती हूँ मसाले डाल के। और छोड़ते भी टाइम लग रहा है, देखे ना कितना ज़ोर लग रहा है। नहीं, ये पानी होता है रोटियों में तो नहीं ना पानी डालना। ये देखे कितना पानी निकला है, ये देखे कितना पानी निकला है। मैंने 2 किलो ली थी मूलियाँ, छिलके वगैरह उतार लिए थे, पत्ते वगैरह। 5-6 रोटी पकी जाएंगी। चले फिर ये मैं आपको पकाया दिखाती हूँ। ये निचोड़ के हरी मिर्च मैंने बरी बरी काट ली है, इससे ना बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखे ना सफ़ेद सफ़ेद सब्ज ग्रीन, अच्छा जी। अब आप ना अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपने ना ज़्यादा हल्की रखनी है मिर्चें। ये दादी मिर्चें डाल दी, ये पीसी भी मिर्चें, थोड़ी सी और डाल देती हूँ, आधा चम्मच, ठीक है। तो आधा चम्मच जीरे का, ठीक है। नमक मैंने पहले भी डाला था, नमक मैं अब भी डाल रही हूँ। चले अब मैं इसे ना मिक्स करके रख लेती हूँ। तो ये जो मिक्स हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद रोटियाँ बना के ना ये आपके सामने मिक्स करके ना डब्बे में डाल के ना रख लेती हूँ। फिर मैं मतलब मिक्स करके, नहीं अभी बता लें आप रोटियाँ। अच्छा, इसका जो मर्जी मतलब। हाँ, ये देखे ना खुश्क है, अभी अभी बना लेंगे रोटियाँ, या रात को आप बना के रख लें। ये है कि ज़रा स्मेल सी हो जाती है फ्रिज में, तो आप बना लें अभी भी ताज़ा ताज़ा रोटियाँ। ये देखें कितना प्यारा हो गया। ये तो काफ़ी रोटियाँ बन जाएंगी। हमने ये मैं बोल में ना इसका ढकना भी है ना, इसमें ना रख लेते हैं। मिक्स हो गया। अब जब बच्चे कहेंगे मैं बना दूँगी बच्चों को रोटियाँ। बच्चे आप भी बना लेते हैं रोटियाँ, ये तो नहीं कि बच्चे मेरे लिए मतलब मम्मा ही बना के दें। थोड़ी छोटी छोटी, नहीं बड़े नहीं हो गए, छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ही लेते हैं अभी बच्चे हैं ना। हाँ, वो मैं कहती थोड़ा थोड़ा काम सीख लें, बेहतर यही है इनके लिए। आखिर तो बच्चियों ने जाना ही अपने घर। ये देखें बस थोड़ी सी मेहनत मांगता है हर काम। चले बस अब मैं ये ना ढकना देके ना फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छे से जो नमक मिर्चा बस के अंदर हो गया सेट, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो से वो पेड़े निकाल लिए हैं, तो पेड़ों को हम लोग बेलते हैं और फिर इसकी फिलिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी अगर आप लोग जितनी बारीक बनाएंगे उतनी अच्छी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग इसको बेल लेते हैं, और मैं तो मतलब डबल पर्थ की इसके अंदर फिलिंग करूँगी मैं रोटी की, और इसके अंदर जो सी हैं वो मूलियाँ फिल करने के बाद इसको फिर मैं पकाऊँगी। तो अभी मैं इसको बेल लेती हूँ। ऐसे ही जो सा इसका ऊपर वाला पेड़ा है उसको भी मैं बेल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी और मोटी भी नहीं बनानी, बारीक ही बनानी हम लोगों ने रोटी। फिलिंग आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीलिंग हो गई है, अब ऐसे ही जो से दूसरी परत है वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अच्छे से इसको बंद कर लेते हैं ताकि जो फीलिंग है वो निकले ना बाहर, और फिर इसको बेल के जो हम तवे पे डाल देंगे। तवा जो सा है मैंने वो गर्म होने के लिए पहले रख दिया, क्योंकि ठंडे तवे पे अगर हम लोग रोटी डालेंगे तो रोटी जो सी है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको अब मैं बेल लेती हूँ आप लोगों के सामने ही, और फिर तवे पर डाल देते हैं। हल्का सा हमें बिल्कुल ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रोटी को डालना है, तो अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो घी हम पर भी गिर सकता है। तो रोटी डाल रहे हैं हम लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए रोटी को हमने तवे पर डाल दिया है, अब हम लोगों ने इसको पलटना नहीं है जब तक इसकी जो साइड है वो पक नहीं जाती। तो वेट करते हैं इसके पकने का, और फिर इसके ऊपर घी लगा कर, अगर चाहे तो प्योर भी लगा सकते हैं, चाहे तो घी भी आप लोग लगा सकते हैं। तो अगर अंदर भी रखना चाहें, मतलब इसके सूखी सूखी से रोटी ना लगे, तो वो भी आप अंदर भी घी रख के इसके दूसरे परत को बंद कर सकते हैं। तो अभी लगेगा ज़रा इसको टाइम, और इसको पकने देते हैं, इतने में जो बाकी रोटियां हैं हमारी हम उसको बेल लेते हैं। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम लोग इसको घी लगा के जोड़ते हैं वो पका देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो जब आप पलटेंगे रोटी को तो आपके ऊपर भी वो घी गिर सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर कम कम ही घी लगाना है। तो ये बहुत लोगों को पसंद होती है, मूली के पराठे, हर तरह के पराठे बनते हैं, कीमे के, सब्ज़ी वाले, मूली के, आलू वाले। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कुकिंग विद नाज़िम में आप लोगों के साथ जो होता है वो हम लोग मूली के पराठों की रेसिपी को शेयर करें। हर तरफ अच्छे से हम लोगों ने जो है वो घी लगा दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल रही है रोटी, जो फीलिंग है वो भी हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई, केयरफुली आपने इसको पकाना है। ये देखिए बारीक रोटी थी ना, तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फूला फूला सा हमारा बारीक सा बिल्कुल जो पराठा है वो तैयार हो रहा है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई है इसकी। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और हमें अपनी फीडबैक दें कि आप लोगों को ये जो उनके पराठों की रेसिपी, मूली के पराठे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपको कैसी लगी है। और हमारे चैनल को विद नाज़िम को सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको नित नई जो सी मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, उसके लिए बेल पर क्लिक ज़रूर कीजिए। और ये देखिए जी बातों बातों में जो से हमारी रोटी भी हो गई है, बस थोड़ा सा यहाँ से कसर है, तो हम लोग इसकी साइड को करते हैं चेंज, बिस्मिल्लाह। ये इसी तरह ये भी साइड जो से है वो हम लोग उसको बना लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा हो गया तैयार, उसको करते हैं डिशर्ट और आपको दिखाते हैं। ये लें व्यूवर्स, कर लिए हमने इस पराठे को डिशोट, और मैं ज़रा खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर रहा हूँ मैं एहतियात से, सारा टूट गया। देख लें जी, इतना ही देख लें आप लोग, गर्मा गर्म मूली का जो सा पराठा है हमने बनाया है। ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ, मैंने खोल ही लिया, हाथ जलता जल ही जाए मेरा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गुए हैं। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।